बिजनौर खबर टीम में आपका स्वागत है। शासन स्तर की जानिब से मिशन महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं पर हो रहे अपराध व बाल अपराध के प्रति रोकथाम हेतु एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें पीड़िंग केस में पोक्सो एक्ट व कार्यवाही कराने के मुद्दों पर एसपी ने जोर दिया गया। बिजनौर रिजर्व पुलिस लाइन में मिशन महिला सशक्तिकरण को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी सहित बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, श्रम प्रवर्तन दल अधिकारी, जिला भर में तैनात महिलाओं दरोगा व दरोगा ने हिस्से लिए। महिलाओं व लड़कियों पर हो रहे अपराध व बाल अपराध को रोकने के लिए एसपी ने जोर दिया। साथ ही नाबालिग बच्चों पर हो रहे अत्याचार में पोक्सो एक्ट की धारा के तहत कार्यवाही कराने के दरोगाओं को आदेश दिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। महिला सशक्तिकरण के संबंध में शासन की तरफ से, डीजी हेडक्वार्टर की तरफ से शक्ति मिशन के नाम से एक अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध, लड़कियों के विरुद्ध जो होने वाले अपराध हैं, खास करके जो पॉक्सो एक्ट हैं, उन मुकदमों में पैरवी करके सजा कराने की कार्रवाई और अतिशीघ्र इसमें मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं, वो मीटिंग हो रही है। और आज जो मीटिंग बुलाई गई थी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और श्रम प्रवर्तन विभाग के अधिकारी और बाल संरक्षण अधिकारी जो जनपद के हैं, SPRA एवं अन्य राजपत्रित अधिकारियों के साथ, जिसमें बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराध, छेड़खानी को रोकने के उपाय और जब अपराध कोई हो जाता है तो उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई है, क्विक कार्रवाई और सेंसिटिव कार्रवाई किस तरीके से हो, कोई चूक न हो, इसके संबंध में एक कार्यशाला आयोजित किया गया। सब ने अपने विचार रखे और आज से हम लोगों ने ये थाना है कि जनपद में छेड़खानी की घटना न हो तो न केवल एंटी रोमियो टूल वरन अन्य एजेंसियों को, लोगों को शामिल करके विद्यालयों में सेंसिटाइज करके इसको रोकने की कार्रवाई की जाएगी और समाज के, पुलिस के सारे लोगों को सम्मिलित करके जो बालकों, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध है रोकने की कार्रवाई करेंगे और जो अपराध हो चुके हैं उसमें पॉक्सो एक्ट करके विशेष करके तो उनमें पैरवी करके उनकी सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।